Hey, hi students. So today we are going to learn the new concept, that is law of demand. This question is very much important from the board point of view, and this question can be asked repeatedly in the exams, and this question carries more than 8 marks in your board exams. So let's learn what is law of demand, assumptions of law of demand, and exceptions of law of demand. This question is very famous question, and it is applicable all over the world. And if you are learning the economics, you should know what is law of demand. Okay, let's start with the question. What is law of demand? According to Alfred Marshall, law of demand refers to other things remain constants, higher the price, smaller the quantity demand, and lower the price, larger the demand. Alfred Marshall ke hisab se डिमांड को चेंज करने के बहुत डिमांड के फैक्टर्स बहुत सारे हैं. डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स मैंने बताया था, P3 अतीफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं P3 अतीफ. डिमांड को चेंज करने के ये सारे फैक्टर्स है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम प्राइस, बिकॉज ओनली प्राइस विल इंक्रीज एंड द डिमांड विल फॉल. प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड विल इंक्रीजेस. Other factors remain the same, means apart from P, apart from price, other factors should remain constant. Only price will change and demand will change. मतलब Alfred Marshall के हिसाब से demand अगर बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ price की वजह से बदलेगा. Price बढ़ेगा तो demand कम होगा, और price कम होगा तो demand बढ़ेगा. Other factors will remain the same. Other factors means apart from price, P2 Atif should remain same. Okay, so according to Alfred Marshall, other things remains the same, constant, higher the price, smaller the quantity demand, higher the price, smaller the quantity demand, lower the price, larger the quantity demand. Okay, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम. ये जो अदर थिंग्स है ना, अदर फैक्टर्स, अदर का मतलब P2 अतीफ शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज, यू कैन सी अदर फैक्टर्स रिमेन द कॉन्स्टेंट. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज, द डिमांड फॉर इट falls, and when price of a commodity falls, demand for commodity rises. Thus there is a inverse relationship between price and quantity demand. तो वही बस same चीज़ है, आपको यहाँ पे लिखना है, अगर price बढ़ेगा तो demand कम होगा, demand कम होगा, और price कम होगा तो demand बढ़ेगा. Other factors remains the same. इसी concept को आपको अच्छे से explain करना है आपको question में. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है अगर आप लॉ ऑफ डिमांड लिख रहे हो तो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ लिया है. लॉ ऑफ डिमांड का ये शेड्यूल है और लॉ ऑफ डिमांड का ये डायग्राम है. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस इज मोर द डिमांड विल बी लेस, एंड व्हेन प्राइस विल बी लेस द डिमांड विल बी मोर. तो यहां पे देखो, जब प्राइस 5 था तो डिमांड 1. When price increases, when price decreases, the demand increases. और यहाँ पे हमने ये डायग्राम भी बनाया है. डायग्राम आपको याद है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस. जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितना, 1. प्राइस 5 तो डिमांड 1, प्राइस 4 तो डिमांड 2, प्राइस 3 तो डिमांड 3, प्राइस 2 तो डिमांड 4, प्राइस 1 तो डिमांड 5, एंड डीडी कर्व. ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे. एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो देखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांड, वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहा है, वाई एक्सिस प्राइस को शो कर रहा है. वी कैन सी इन द डायग्राम एंड शेड्यूल कि व्हेन द प्राइस वॉज 5, द डिमांड फॉर इट वॉज 1 क्वांटिटी. When the price was 5, the demand for it was 1. And when price decreases to 1, falls to 1, the demand increases to 5. इसी को हमें बस explain करना है.
Hence there is a inverse relationship between price and demand. Inverse relationship का मतलब क्या है? जब price ऊपर जाता है तो demand नीचे आता है, और जब price जब नीचे जाता है तो demand ऊपर जाता है. तो इसे हम कहते हैं inverse relationship. और ये भी लिखना बहुत जरूरी है, DD curve slopes downward from left to right. ये दो चीज आपको explanation में लिखना बहुत जरूरी है कि there is a inverse relationship between price and demand and DD curve slopes downward from left to right. तो यहाँ पे हम लोगों ने explanation देखा diagram का, ये explanation आपको लिखना बहुत जरूरी है. जब आप law of demand लिखोगे तो ये diagram, ये schedule, ये diagram और ये explanation. तो law of demand के marks कैसे divided है? जो other things remains the same, वो वाला concept आपको पढ़ना है. उसके बाद में आपको ये particular concept जब आप पढ़ोगे, इसके लिए आपको one marks मिलेंगे exam में. उसके बाद next जब आप schedule बनाओगे तो schedule के लिए half marks और डायग्राम के लिए 1.5 मार्क्स, और उसके बाद 1 मार्क्स का ये एक्सप्लेनेशन है. तो इस तरह से 4 मार्क का ये लॉ पढ़ना है. उस लॉ के साथ, लॉ ऑफ डिमांड के साथ आपको अजम्पशंस और एक्सेप्शंस भी पूछे जाएंगे. तो अजम्पशंस के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. अजम्पशंस क्या बोलता है? अजम्पशंस मतलब इस लॉ को ट्रू करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कुछ फैक्टर्स है जिसको सेम रहना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमने देखा P2 अतीत शुड रिमेन सेम. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स में से P2 अतीत शुड रिमेन कांस्टेंट. यही तो अजम्पशंस है. तो लॉ ऑफ डिमांड के जब अजम्पशंस आएंगे तो बस इसके आगे कांस्टेंट डाल देना है. जैसे कि पॉपुलेशन शुड रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज, price of related goods मतलब substitute and complementary goods remains unchanged, the consumer taste and preference remains unchanged, the government policy remains unchanged and there should be no change in the expectation about the future price. okay, तो ये जो P2 अतीफ है, जो हमारा P2 अतीफ मतलब P1 को side में लेके P2 अतीफ के आगे बस constant, same और unchanged डाल देना है. तो ये है assumptions of law of demand. exam में जब ये question आएगा तो law of demand ideally अकेला नहीं आएगा, law of demand के साथ either assumptions या फिर exceptions पूछे जाएंगे. तो ये था law of demand का assumptions. अब हम देखेंगे law of demand के exceptional. exceptional cases मतलब ऐसे cases जिसमें law का उल्टा होता है. देखो लॉ क्या बोलता है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. लेकिन एक्सेप्शनल केस में उल्टा होता है. एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होने के बदले उल्टा बढ़ेगा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड कम होने बढ़ने के बदले उल्टा कम होगा. अब ऐसे कौन से केसेस है जिसमें प्राइस कम होने पर डिमांड कम होता है? इसे हम कहते हैं exceptions to the law of demand. चीजें जब सस्ती होती है, when the things gets cheaper, the people will prefer to buy more. डिमांड बढ़ता है उसका, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता नहीं उल्टा कम होता है. समझो कि कोई इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स, आपको लोअर क्वालिटी का गुड्स, ऐसी चीज जो सड़ सकती है या सड़ने वाली है, खराब होने वाली चीज, अगर आपको बहुत कम प्राइस में अगर आपको कोई बेचेगा तो क्या आप लोगे? नहीं. तो जो चीज इंफीरियर क्वालिटी का है, लोअर क्वालिटी का है, उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है. यहां पे देखो क्या लिखा है, इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज हुज डिमांड डज नॉट राइज इफ द प्राइस फॉल्स. मतलब इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स का अगर प्राइस कम भी हो जाए तो भी डिमांड बढ़ता नहीं उल्टा कम होता है. एट टाइम्स द डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स. तो इस चीज की डिमांड, इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स की डिमांड कम हो जाती है प्राइस कम होने पे भी. तो ये एक्सेप्शनल केस है जो लॉ के अगेंस्ट है, बोलता है कि प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा. सर रॉबर्ट जिफिन ने ये ऑब्जर्वेशन किया था इंग्लैंड में ब्रेड को लेके. ही नोटेड दैट द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेसिंग पावर, दे प्रिफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट. दिस इज नोन एज जिफिन पैराडॉक्स. सर रॉबर्ट जिफिन ने ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में कि ब्रेड जो है, रोटी का अगर प्राइस कम हो जाए तो लोग रोटी ज्यादा नहीं खरीदेंगे, रोटी उतना ही खरीदेंगे जितना जब ज्यादा प्राइस पे खरीदते थे.
प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे रोटी की, उल्टा प्राइस कम होने पे उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, उनका रियल इनकम बढ़ने की वजह से वो लोग महंगी चीजें जैसे कि मीट मीट ज्यादा खरीदेंगे, मटन ज्यादा खरीदेंगे, मतलब सुपीरियर गुड्स को ज्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है लेकिन डिमांड कम हो रहा है और सुपीरियर क्वालिटी का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस है लॉ का। तो ऐसे करके आपको अराउंड 6 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रेस्टीजियस गुड्स, ऐसी गुड्स जो आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाती, जो आपके स्टेटस को शो करती, जो आपको जो आपके ओहदे को शो करती है, ऐसी चीजें, ऐसी महंगी चीजें लाइक डायमंड ज्वेलरीज, रोल्स रॉयल कार, बड़ी बड़ी कार, महंगी कार, ऐसी चीजें लोग दिखावे के लिए पहनते हैं। तो ऐसी चीजों का प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी डिमांड कम होता नहीं है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, प्राइस अगर बढ़ेगा, लॉ कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ऐसा नहीं होगा, डिमांड बढ़ेगा प्रेस्टीजियस गुड्स। तो लॉ बोल अल्फर्ड मार्शल कहते हैं कि इस लॉ को ट्रू करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस है उनको साइड में रख के ये लॉ ट्राई करना, मतलब प्रेस्टीजियस गुड्स पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब समझो कि कुछ लोग हैं जो ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस चीज की प्राइस और बढ़ेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, महंगी होने पे ही वो ज्यादा खरीद लेते हैं। जैसे कि समझो कि गोल्ड, गोल्ड का प्राइस समझ जाओ अभी 40,000 चल रहा है, तो अगर 40,000 प्राइस बढ़ गया है, 33,000-32,000 से डायरेक्ट 40,000 हो गया है, अब लोगों को क्या लग रहा है कि यार 40,000 से और बाद में ज्यादा बढ़ेगा, तो लोग क्या करते हैं 40,000 पे ही ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा होने के बावजूद डिमांड ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ऑयल शुगर tend to rise before Diwali because people prefer, people think कि the price will be rise during Diwali, Diwali के time पे price उल्टा और बढ़ेगा, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा price पे ज्यादा खरीद के रख लेते हैं पहले ही, तो ये law के against है, क्योंकि law क्या बोलता है, price बढ़ेगा तो demand कम होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे cases में price बढ़ने पे demand कम नहीं होता है, उल्टा demand बढ़ता है। तो ये है speculation third case। फिर उसके बाद हम next case देखेंगे price illusion, कुछ जो होते हैं प्राइस इग्नोरेंस होते हैं, कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइस ज़्यादा है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ कस्टमर्स की साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें महंगी है तो वो अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका डिमांड भी वो लोग ज़्यादा करते। बट अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगा, लेकिन ऐसी चीज, ऐसे लोगों के लिए जिनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी है कि अगर चीजें महंगी है मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब चीजों की क्वालिटी वो लोग प्राइस से बैलेंस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे थिंक कंज्यूमर थिंक्स द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव डिमांडेड इवन एट हायर प्राइस, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत महंगे फिर भी उसका डिमांड होता है। नेक्स्ट केस है इग्नोरेंस, कुछ कंज्यूमर्स इग्नोर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें मिलना इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं हाई प्राइस पे ही ज्यादा खरीद लेते हैं। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर पीपल विल बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट हाई प्राइस, ज्यादा प्राइस पे ही वो लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, वो लोगों को टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस नहीं, तो वो लोग कम प्राइस पे, वो लोग ज्यादा प्राइस पे ही ज्यादा खरीद लेते हैं, तो ये भी लॉ के अगेंस्ट है। एंड द लास्ट केस इज हैबिचुअल गुड्स, सिगरेट वाइन्स विस्की, ये सारी चीजें महंगी है फिर भी इसका डिमांड कम नहीं होता, डिमांड बढ़ता है, बट अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, बट हैबिचुअल गुड्स में सिगरेट्स महंगी होने के बाद भी उसका डिमांड कम नहीं होता, उल्टा डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, तो आज हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द डिफरेंट वेज इन द एग्जाम्स, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस और एक्सेप्शंस, तो लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस भी आ सकता है, विद एक्सेप्शंस भी आ सकता है, या तो फिर दोनों पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर अलग से एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए आएगा, एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए,
एग्री और डिसएग्री में भी आता है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो हमें डिमांड का शेड्यूल, डिमांड का कर्व और डिमांड का एक्सप्लेनेशन लिखना है, और लिखना है आई एग्री विद आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट आंसर वही होता है। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको डायग्राम अच्छे से निकालना है नीटली। ओके, ये डायग्राम मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, फाइव प्राइस पे जब पाँच रुपये थे तो डिमांड वन, फोर पे टू, थ्री पे थ्री, टू पे फोर, वन पे फाइव, तो डिमांड इज इंक्रीजिंग। ये डायग्राम अच्छे से आप निकालिए और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करिए, और सिंपल सा शेड्यूल मैंने आपको बोला है फॉलो करने, यही शेड्यूल मैंने इंडिविजुअल डिमांड में भी आपको फॉलो करने का है। तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वेरिएशन और चेंजेस इन डिमांड, वो सिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।